ये सिर्फ जी एडिबल ऑयल्स की बात की जाए तो सोया तेल में आपको क्या लगता है, क्या रिफाइंड सोए की कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं? 1500 रुपये तो हम घरेलू में देख चुके हैं और US में भी जो कीमतें हैं लगातार तेज़ी की हो रहे हैं। आज देख रहे हैं कि सोयाबीन, US सोयाबीन फ्यूचर में $1600 के नीचे ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, 1550-60 के लेवल पर। रूपा जी देख रहे हैं रिफाइंड तेज है लेकिन तिलहन में थोड़ी गिरावट है, ऐसे में आपको क्या लगता है सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल इनमें अब क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अभी फिलहाल जो है सोयाबीन के भाव में जरूर थोड़ा सा नरमी देखने को मिली है, लेकिन आगे उम्मीद यही है कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी आ सकती है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि हाजिर मंडियों में सोयाबीन जो है वो 7200 रुपए के आसपास सस्टेन थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत उठाव आता दिखाई दिया है और 7500 के आसपास मार्केट गया है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है मार्केट और आगे चलकर रिकॉर्ड तेजी भी बन सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम है और जो सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर अभी थोड़ा बहुत देखिए गिरावट में रह सकता है मार्केट नो डाउट, लेकिन फर्दर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, ये सब जानना चाह रहे हैं कि क्या सरसों को अभी स्टॉक करके चलना सही रहेगा? देखिए सरसों को अभी थोड़ा सा स्टॉक करने से बचना चाहिए, देखिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि अभी थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर दबाव आता हुआ दिखाई दे और फिर वहां पर और कोई अपसाइड बनेगा तो वहां पर आप लेके चल सकते हैं, बाइंग करके स्टॉक करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी तो अराइवल प्रेशर के चलते थोड़ा सा हमने देखा है कि तिलहन के मार्केट के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन नो डाउट अभी सिनेरियो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है और तेजी बन सकती है। जी